Okay, so class presentation, second chance. अच्छा, कोई है जिसको एक भी चांस नहीं मिली प्रेजेंटेशन में? जल्दी बोलो. अंश चौधरी है, रजिस्टर में चेक करना. अंश अनम्यूट बेटा. ओके, हैव यू गॉट एनी चांस? अंश कहा? क्रॉस लगा है तुम्हें, ठीक है, नहीं आया तुम क्रॉस. मिस चांस मिला है बट यू डिड नॉट गिव करेक्ट आंसर. कई लोग दो दो बार तीन तीन बार भी मिल गए, ठीक है. चलो बताती हूँ. अच्छा, चित्रांशी है, चेक करो. नहीं, चित्रांशी आज फिर से नहीं है. रिया को चेक करो जरा, सब लोग कहीं से. रिया भी नहीं, मैम नहीं है, मैम नहीं है. अच्छा, जो जो अब्सेंट है पहले उनकी नेम बताओ बेटा, मैं इसमें टिक करती जाऊँ. जल्दी से नेम बताते जाओ इसमें, देख के अपने अपने फ्रेंड्स को सर्च करो. उन्नति, एक सेकंड बेटा रुको. उन्नति क्रॉस, हाँ आगे क्रॉस. सोनिया, सोनिया क्रॉस. और अदिति, अदिति, अदिति एब्सेंट. ओके नेक्स्ट. और देखो बेटा, मैम अनुनी, अनुनी तो खैर नहीं आएगा वो. हाँ ठीक है, वो तो एब्सेंट. मैम ऋषभ, ऋषभ. मैम कार्तिक, मैम एक सेकंड बेटा, कार्तिक एब्सेंट. और ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया. अच्छा, ऋषभ है ज्वाइन, ठीक है. आगे मोनिका, दोनों मोनिका नहीं है. वेरी गुड. मोनिका सिंह तो इतनी सिंसियर थी, पता नहीं उसको भी क्या हो गया. ठीक है, मोनिका. चित्रांशी, चित्रांशी. रिया, और कुछ करो. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 23 + 8, 31. आपकी क्लास में कितनी स्टूडेंट, कितनी टोटल? 32. तब भी अभी कोई एक रह गया, चेक करो जरा कौन रह गया. मैम अनुनी. सॉरी, करेक्ट. अनुनी मैंने काउंट नहीं किया. हाँ ठीक है, ऋषभ आ गया. हाँ, ऋषभ को मैंने लिख लिया, क्रॉस कर दिया. ऋषभ ने कर लिया, ठीक है, अब तो सही हो गया. ओके, तो जो एब्सेंट है उनका तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया. एब्सेंट ही रहे तो अच्छा है. 25, एक कोई और आ गया. मैम किंजल ने दो बार ज्वाइन किया है. अच्छा, एक सेकंड. किंजल नीचे, किंजल भारी, किंजल नहीं, एक ही बार है. अच्छा, इसीलिए 24 हो गया. दो बार क्या सोच के उसने ज्वाइन किया पता नहीं. चलो कोई मैंने केफी बार, ठीक है. चलो प्रेजेंट करते हैं. Thank you.
मैम रिया ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा कर लिया, ठीक है उसका भी क्रॉस कर देती हूँ। एक सेकंड तो रिया क्रॉस। हाँ इनमें से जो ज्वाइन करते जाए बताते जाना मुझे, नहीं इनकी एब्सेंट लगी रही है। ओके नाउ क्वेश्चन, ठीक है चलो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं। राइट डाउन, यू ऑल हैव टू राइट क्वेश्चन। अ सर्कल हैज रेडियस रूट 2 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स by a chord, by a chord of length 2 centimeter. Prove that the angle subtended by the chord, the angle subtended by the chord, chord by the chord at a point in major segment, in major segment is, सब लोग कॉपी लिख लीजिए क्वेश्चन साथ साथ, 45 degree। आई रिपीट, लिसन केयरफुली। अ सर्कल हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 segments बाई अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। Prove that the angle subtended by the chord at a point in major segment is 45 degree. Okay. Now, जितना जिसको भी एक भी चांस, उन्नति कप्सन का सृष्टि, सोनिया ने ज्वाइन किया देखना बेटा, दामिनी चेक करो। मैम नहीं किया। नहीं किया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभी उसमें एक चीज और गिवन है, वो भी मैं बता दूं, फिगर में बता रही हूँ। फिगर पहले बनाती हूँ, फिगर में आपको चेक करो क्या गिवन है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अरे सेलेक्ट हो रहा है कुछ और, मत कुछ और। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा? यस मैम, यस मैम, सुमित्रा, यस मैम। थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा कर लीजिए धीरे, बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ फिगर देखो बेटा, इतना तेज आवाज आ रही थी मुझे। मैम ये आखिरी में मेजर सेगमेंट के बाद क्या लिखा है? इस 45 डिग्री हाँ 45 डिग्री This is center A B 90 degree, बस ये given है।
अब आपको ये 45 डिग्री प्रूफ करना है। मैम ये क्वाड है ना कि आर्क दिया है? क्या चीज बेटा? ये ओ है ना, ओ इज ए सेंटर, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट बाय अ क्वाड। अच्छा रुको एक चीज और बता दो, वेट वेट, इसमें चलो मैं इसको दो में से एक चीज देना था, ये मैंने चलिए ले लिया। ए बी इज अ कॉर्ड, चलो इसको भी मैं लेबल कर देती हूँ, 2 सेंटीमीटर है। बस ये आपको प्रूफ करना है। चलो ये दे दिया तो ये चेंज किया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्वेश्चन में। हाँ अब नेम बताती हूँ किसको प्रूफ करना है। रुको बताती हूँ बेटा, पहले जिनका भी जिनको कल जीरो मिला था उनको एक चांस तो पहले उनको जीरो वाले। साफिया अनम्यूट बेटा फास्ट। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। जल्दी यू हैव टू प्रूव एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी है, ए बी इज अ कॉर्ड एट पॉइंट इन मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या है आप देख लो, इस 45 डिग्री, यानी कॉर्ड एक एंगल बनाएगा मेजर सेगमेंट में और वो 45 डिग्री का होना चाहिए। बनाएगा कौन? कॉर्ड। कहाँ पे? मेजर सेगमेंट में। आंसर कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। चलो जल्दी बोलो बेटा। मैम मे आए? नहीं पहले जिस जिसका नाम ले रहे पहले उनको चांस मिलेगी। मैम। हाँ बेटा। मैम ओ 90 डिग्री गिवन है ना? नो नॉट गिवन, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले कुछ और सोचा था फिर मैंने लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया। नॉट गिवन। जल्दी बोलो बेटा। साफिया। यस। रिया तू भी सोच। रिया रिया अनम्यूट फर्स्ट। यस मैम। हाँ चल आज तो चल प्रेजेंट है तू। हाँ चल बोल इसका सोल्यूशन बताओ बेटा। मैम मैम वो ओ सेंटर में है। यस यस ओ इज इन सेंटर। मैम तो सेंटर पे सेंटर से बना हुआ एंगल सेमी सर्कल में होगा तो मैम वो ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। ये किसने कहा सेमी सर्कल? कहाँ दिया कि सेमी सर्कल में होगा? ये मैंने कब कहा? सेमी सर्कल में कैसे होगा? सेमी सर्कल तो ऐसे बनता है, ये है सेमी सर्कल, ये होता है सेमी सर्कल, यहाँ पे सेंटर है, स्ट्रेट एंगल होगा तब सेमी सर्कल कहलाएगा। ये सेमी सर्कल कैसे हो जाएगा? सेमी सर्कल में जो सेंटर पे बनता है वो 180 का होता है एंगल, ये वाला ये 180 डिग्री होता है सेंटर पर। अच्छा कितने लोगों को आंसर आता है उस हिसाब से मार्किंग कर लो। राइट वाई इन चैट बॉक्स, लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिखो जरा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में चेक कर लो। ध्रुव जैन, ऋषभ, पुष्कर, रोमिशा, दामिनी, 1 2 3 4, हरीश 5, संयुजा 6, प्रणव 7, ओनली 7 स्टूडेंट्स। मैम आप एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चन? रुको जब पहले मैं चेक कर लूं। और कोई है जो वाई लिख रहा है आफ्टर संयुजा? एनीवन? 1 2 3 4 5 6 7 छह सात बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। क्या पढ़ते हो बेटा? हाँ अ सर्कल हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स बाय अ कॉर्ड। कॉर्ड जो है किसी सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। एक बार मैं हिंट दे देती हूँ, चलो फिर से, ये है कॉर्ड, ये कहलाता है फर्स्ट सेगमेंट और ये है आपका सेकंड सेगमेंट, ये है आपका माइनर सेगमेंट और ये है आपका मेजर सेगमेंट, माइनर मेजर।
ओके प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, सबटेंडेड का मतलब ये कॉर्ड है, आपको हिंट भी बता दे रही हूँ, 20% हिंट दे रही हूँ, फिर बताओ इसके बाद, ये कॉर्ड है, ये क्या एंगल सबटेंड करेगा, बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इन मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये वाला डॉटेड वाला, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, कॉर्ड सबटेंड करेगा तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को इससे ज्वाइन कर दिया, ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड वेयर इन मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, इस एंगल को आपको 45 डिग्री बताना है, यानी यहाँ पे यदि मैं इसको कंप्लीट करूं, इसको चलो मैंने कंप्लीट कर दिया, ये पी ले लिया, आपको प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, एंगल ए पी बी को 45 डिग्री प्रूफ करना है, मैंने आपको 20% बता दिया, स्टिल 80% लेफ्ट, आप कोई न्यू है फेस जो आप बता सकता है अदर देन दीज 8 स्टूडेंट्स, चल ऋषभ फर्स्ट चांस तुझे मिल रही है, ऋषभ अनम्यूट, मैम बोलो, अभी तो यस बोल रहे थे ना तुम मैम, ऋषभ जल्दी बेटा, वैसे भी आज 10 मिनट हो गया फालतू का, मालूम है कि नहीं मालूम, पहले ये बोलो बेटा, मैं थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बता, चल थोड़ा बता बेटा, तुम्हें क्या लगा कि यस बोल दूंगा तो मैं मुझसे नहीं पूछेंगी, क्यों ऋषभ लगा कि मैम बोल देंगे तो मैम उनसे पूछेंगे जिन्होंने नो लिखा है, जितने स्टेप आप सोचते हो ना उसके एक स्टेप आगे तो टीचर सोच ही देता होगा, ऋषभ बोल बेटा, नहीं आता, चल फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओके एक एक करके नेम बताते जाओ, जिनको एक चांस मिला होगा उनको दूसरा दे दूंगा, हाँ ये ध्रुव जैन, ध्रुव पहले बोलो, ध्रुव ध्रुव, यस मैम, मैम इन ट्रायंगल ए ओ बी, हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ फास्ट, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, ओ इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यस बेटा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, हाँ रेडियाई ऑफ सर्कल, हाँ ठीक है, ए बी टू सेंटीमीटर गिवन, ओके ए बी टू सेंटीमीटर गिवन, ओके नाउ बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, इसमें ऐसे नहीं लिखते बेटा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये ऐसे नहीं लिखोगे, पहले तीनों का स्क्वायर अलग अलग निकाल लो, और इसको भी ए बी स्क्वायर पहले निकाल लिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ओ ए स्क्वायर निकालो, रूट टू स्क्वायर मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्या करोगे, हाँ आगे बोलो, कन्वर्स अभी वर्ड यूज नहीं होगा, अभी तो कन्वर्स कुछ लग ही नहीं रहा, आगे बोलो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, हाँ तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लिख दिया, चलो ब्रैकेट में, अब यहाँ कन्वर्स लगेगा, सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे यदि कन्वर्स लिख दोगे तो रॉन्ग है, इन तीनों का स्क्वायर निकालो, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है उसको एक तरफ रखो, इन दोनों को प्लस करो, ये जो सम होगा इसके इक्वल आ गई, आपने प्रूफ, नाउ बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल अपोजिट टू साइड ए बी विल बी अ राइट एंगल, तो कौन सी 90 डिग्री, हाँ हाँ तो ये 90 हो गया, आगे नाउ वी सी, नाउ एंगल एओबी, एओबी इज सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एबी, ओके हाँ ठीक है,
मैम फर्स्ट वी विल राइट ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री देन वी विल राइट ए ओ बी सबटेंडेड बाय उसकी जरूरत नहीं है उसकी सबटेंडेड बाय लिखने की जरूरत नहीं है आगे बोलो लाइक द सेम लाइन सेगमेंट अनदर एंगल एंगल ए पी बी इज आल्सो सबटेंडेड सेम लाइन सेगमेंट मत बोलो इट्स नॉट सेम लाइन सेगमेंट एंड बाय द सेम कॉर्ड अनदर एंगल एंगल ए पी बी इज आल्सो सबटेंडेड नहीं बट ये भी कॉन्सेप्ट रॉन्ग है ये एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा है कहाँ सबटेंड हो रहा है लोकेशन क्या है इसकी मेजर सेगमेंट इसको ऐसे ओ बी इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर ये आपको बताना है कि सेंटर पे बन रहा है एंड ए पी बी इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो देयर फोर ए ओ बी इक्वल्स टू रिलेशन बताओ AOB equals to 2 angle APB. हाँ बस डायरेक्ट ये लिख दो बस बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट में लिख दो कि AOB and APB are the angles subtended by the same arc at the center and on the remaining part of the circle respectively. बस ये ब्रैकेट में रीजन दे दो ठीक है तो ये आपका रिजल्ट आ गया तो 90 हो गया हम एंगल AOB को 90 ऐसे प्रूव करेंगे अच्छी प्रूफ किया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये ट्रायंगल था ए ओ बी ट्रायंगल ये है रूट टू और ओ बी भी है रूट टू अब देखो ओ ए स्क्वायर टू आ गया ओ बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है टू अब और इसका ए बी का स्क्वायर क्या हो गया फोर तो इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है ए बी स्क्वायर के इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी स्क्वायर इक्वल है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर सनमारा दामिनी यस मैम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड विल बी अ राइट एंगल यानी जो सिंगल होता है उसके सामने वाला एंगल ए बी सिंगल है ये दोनों का सम है तो इसको छोड़ दो ए बी के अपोजिट में ये ए बी है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है ओ तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये हो जाएगा 90 डिग्री ये 90 हो गया इसका मतलब ए ओ बी 90 है तो ए पी भी हाफ बनेगा तो 45 डिग्री यही आपको प्रूफ करना था आगे बढ़ना ठीक है चलो ओके गुड ध्रुव ने अच्छा किया गुड सही है चलो ध्रुव को टिक लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आज लास्ट चांस है एक चांस अभी और मिलेगी बता दोगे तो ठीक है नहीं बताओगे एब्सेंट होगे तो आप जानो हम आपके घर जाके आपका क्लास प्रेजेंटेशन थोड़ी लेंगे आपके पेरेंट्स के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज आ गया था कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा क्लास सारे टूल्स उसके बाद भी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे तो कोई क्या कर सकते हैं चलो जबकि मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ऐसा भी नहीं बड़े टिपिकल क्वेश्चन है हाँ ये भी देखो इसमें भी हिंट दे देती हूँ पहले आपको डोंट वरी आपको 20% मैं हिंट दे के बता रही हूँ फिगर है ये द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी द सर्कम सेंटर अभी बताती हूँ सर्कम सेंटर क्या होता है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ओ ये है ट्राइंगल एबीसी ये है ट्राइंगल एबीसी थोड़ा स्ट्रेट बनना चाहिए था बट चलो ये है सर्कम सेंटर ओ प्रूव दैट एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री ओ बी सी मतलब चलो ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा बी ए सी तो है ही इक्वल्स टू 90 अब ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो नो डाउट ओ सी को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ये ओ पॉइंट है दिस इज ओ ठीक है ये हो गया और ये ए मिस्टेक ये आपका क्वेश्चन है अब इसमें हिंट ध्यान से देख लो पहला हिंट ये है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बताने की जरूरत नहीं है सबको पता ही होगा ये एंगल्स इक्वल होंगे होंगे एक पर जल्दी बोलो दूसरा ये है कि एंगल बी ओ सी जो होगा सबको मालूम हिंट भी क्या ये भी सबको पता है ट्वाइस ऑफ बी ए सी होगा तो मान लो इस एंगल को मैंने एक्स ले लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा
ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जो बी ओ सी होगा इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कुछ निकाल सकते हैं। बी ओ सी का रिलेशन, यस बेटा 180 माइनस 2x, हाँ जो भी है ये, आप बस ज्यादा हिंट मत पूछो ना, ज्यादा बोलो जिसको, फिर ज्यादा हिंट भी नहीं देना। आप बी ओ सी निकाल सकते हो ऑफ एक्स एक्स, कि बी एस सी का भी कुछ रिलेशन और इसलिए आंसर आ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकती। बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो ये आंसर आना चाहिए। दिस एंगल मैं येलो कलर से कर देती हूँ, प्लस दिस एंगल, दोनों येलो वाले, इन दोनों का सम 90 डिग्री प्रूफ करना। चलो मैम पहले मुझे नेम बता लेंगे दो, अदिति ने ज्वाइन किया नहीं किया? अंश चौधरी, कैन यू सॉल्व अंश? यस मैम, सॉल्व करोगे बेटा? जो मैंने हिंट दिया, बस दो चीज हिंट दे दी मैंने इसमें 70%, दो चीजें यूज करो, फिर से सुन लो, इसको निकाल लो बी ओ सी को, नंबर वन एक्स के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, फिर बी ओ सी को लिख दो ट्वाइस ऑफ बी ए सी, मैंने अब आपको 80% बता दिया, अब तो आंसर आ ही जाएगा। पहले बी ओ सी निकाल, चलो बी ओ सी निकालो, बोलो अब इससे ज्यादा क्या बताएं बेटा, पहले बी ओ सी क्या आएगा बोलो, अंश बेटा कैसे कर रहे तू? जब क्वेश्चन पूछो तभी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, क्वेश्चन पूछो नहीं कि नेटवर्क इश्यू, हमें यदि टीचर को नेटवर्क इश्यू ऐसा होने लगे आप लोगों इसी लोकैलिटी में तो हम लोग भी रहे, तब पढ़ाएंगे कैसे आप लोगों को? हमारे में तो इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती जबकि हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, आप लोगों को तो सिर्फ देखना है। प्रॉब्लम कभी नहीं होती, आर्जव रुको बेटा पहले इनको, जिनका एक एक चांस मिला उनको पहले बोलो। आर्जव मैम बेटा मैम आप एक और बार नेटवर्क चला गया था, ये कौन बोल रहा है? मैम सृष्टि, सृष्टि से पूछ भी नहीं रही बेटा, रुक अच्छा क्वेश्चन ही देख ली बेटा, ये सर्कम सेंटर है ओ, ये सर्कल हो गया सर्कम सर्कल, ये ट्रायंगल है और हमें ये प्रूफ करना है, दिस एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आना चाहिए। मैंने दो हिंट दिया था, तो बी ओ सी निकालेंगे एक्स के टर्म्स में, फिर बी ओ सी को रिलेट कर देंगे बी ए सी के साथ उनका रिलेशन, और उससे आंसर पहले कोई नहीं बोलेगा, जिसको बोलो दामिनी नहीं बोलना अभी, अब एक बार मुझे सबका नेम ले लेने दो, इसके बाद तुम लोगों को चांस। आर्जव, आर्जव वहां बैठते हो बेटा, तुम लोग किस दुनिया में? नंबर कमाए ना बेटा, तो ये मत बोला कि मैम नंबर कहाँ, ये गलती से कोई मत पूछना मुझसे कि मैम हमारा नंबर कहाँ से आप कट गए, ये पूछोगे तो जो मिलेगा मैं उसको भी जीरो कर दूंगी। कहाँ आर्जव अनम्यूट कर बेटा, अंदाजा लगा ऐसे तो टीचर पढ़ाने लगेंगे। चल ठीक है, जीरो नंबर देता, दिमाग खराब कर देते हैं तुम लोग, क्रॉस तेरा भी डबल क्रॉस हो गया, क्लास प्रेजेंटेशन जीरो हो गया, अब बाकी की तैयारी करो अच्छे से। मैम मैं आए बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोलना, दामिनी बोलना नहीं, अभी चित्रांशी है क्या? देखो चित्रांशी को भी मैंने कल कॉल नहीं किया, मेरी गलती, बस चलो ठीक है, इसको बोलती रिया अनम्यूट कर मैम, रिया चल तुझे एक चांस और दे, चल बोल, और एक दाम उसको तू आज कॉल करना बेटा, किसको कल तुझे मैंने कॉल किया, आज तू चित्रांशी को कॉल करेगी। ओके मैम, मैम उसको बोलना पापा के साथ, ओके पापा से बात कराएगी। यस मैम, मैम उसमें गिवन है मैम ओ सेंटर है और मैम ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तो मैम हम लोग वो एक्स प्लस इन ट्राइंगल ओ बी ओ सी में ले लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स
प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. उसके बाद मैम नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड मैम हम लोग 2x को राइट साइड में ले जाके माइनस में ले लेंगे और मैम उसको फिर वैसे ही छोड़ देंगे. हाँ बोल बोल बोल, छोड़ नहीं देंगे, बता क्या लिखूं. एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 2x. 180 डिग्री माइनस 2x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके आगे बोलो. और मैम फिर सेकंड में ले लेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी. एंड मैम फिर बी ओ सी की जगह 180 माइनस 2x रख देंगे. हाँ उसके बाद फिर मैम नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी. हाँ मैम नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 को 180 से कैंसिल कर देंगे तो 90 माइनस x इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. 180 डिग्री ये वाला जो 2 है होल अपॉन में आ जाएगा. होल अपॉन इक्वल टू बी ए सी. हाँ क्या हो जाएगा. 90 माइनस x इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. हाँ ये दोनों के अपॉन में 2 जो है 180 के अपॉन में भी और 2x के अपॉन में भी है. दिस इंप्लाइज नेक्स्ट. तो मैम नेक्स्ट स्टेप में एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस x ब्रैकेट में ले लेंगे फिर प्लस x. क्या 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 फिर से बोलने जरा समझ में नहीं आया. मैम हाँ. फिर इक्वेशन वाइज अगर बनाएंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90. ओबीसी कहाँ से आ गया. ओबीसी कहाँ से आ गया मैम. ओबीसी तो इक्वेशन ओबीसी कहाँ से मैम. वो ट्रायंगल के हाँ, उसमें क्या क्या ओबीसी क्या. अरे ये बोल देना कि यहाँ पे ओबीसी को हमने एक्स सपोज किया था तो yes, इस एक्स की जगह जो ये वाला नहीं लिया था स्टार्टिंग में वो जब किया था तो उसके लिए. हाँ तो ये बोलना स्टाइलिश लैंग्वेज तक बोल रही. डायरेक्ट बोल ये एक्स जो है ओबीसी का स्टार्टिंग में. यस मैम एक्स से डिनोट किया था इसलिए ओबीसी लिया था. हाँ ये बोल. हाँ ठीक है आ गया रिजल्ट करेक्ट. चल बोल. एंड मैम उसके बाद लास्ट में मैम जो ब्रैकेट में लास्ट में आंसर आ तो गया. ये हां तो गया. हां मैम आप क्या कर रही है. हाँ कुछ अपने क्या बता रही है. ठीक चले ठीक तो लगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ऋषभ राघव प्रणव पुष्कर पवन धाकड़ नव्या जैन अन्यूट नव्या. यस मैम. क्वेश्चन फॉर यू. चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अब आ गए अपने उस पर. बहुत पूछ लिया स्टैंडर्ड का. आ जाओ एनसीईआरटी पे आ जाओ. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम. ऐसे बार का पूछने लगूंगा तो पता चला 40 मिनट्स निकल गए कुछ नहीं बता पा रहे. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. हाँ चलो बोलो क्या फिगर बनाओ. यस मैम 1 मिनट. पहले क्या गिवन है ये बताओ. व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. पहले ये बताओ गिवन क्या है. मैम हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे. हाँ फिर ए बी सी डी. उसमें ए बी और सी डी जो होंगे वो पैरेलल होंगे. हाँ अच्छा रुको मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दूं. ये ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया. ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल. ओके फिर प्रूफ क्या करना है. ये बेटा तू बैठी कहाँ रहती है. नाव्या कहाँ बैठती हो बेटा. आप लोग सेकंड टाइम हो रहा है तुम्हारे घर में.
प्रूफ क्या करना नाव्या जल्दी बोल एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हाँ तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ या तो डी प्लस बी या ए प्लस सी कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं फिगर करेक्ट है यस मैम एंगल डी ए इक्वल्स टू एंगल सी बी एंगल डी ए इक्वल्स टू एंगल ई क्या डी ए इक्वल्स यस एंगल नहीं डी ए इक्वल्स टू सी बी डोंट से एंगल डी ए साइड डी ए इक्वल्स टू साइड सी बी चलो हाँ इसका प्रूफ जल्दी बताओ बेटा फटाफट ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अब इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता क्या 1 मिनट बेटा अब इसमें भी 1 मिनट ले रही हो तो क्या आप बोल रही मैम मे आई पवन धाकड़ मे आई हाँ चलो तुम्हारे लिए बोलो जल्दी फास्ट पवन बोलो पवन तुम ही नहीं पढ़ मम्मी आए प्रखर प्रखर हाँ बोलो तुम प्रियांशु के भाई हो क्या प्रखर यस मैम अब आज प्रियांशु को बोलना मुझसे बात करेगा जरा तेरे बारे में बात करनी है मुझे वो तो बहुत सिंसियर है आज उसको प्रियांशु को बोलना मुझे कॉल करेगा शाम को मैम वो पर यहाँ पे नहीं रहते मैम कहाँ अरे तो फोन तो कहीं से भी कर सकते हैं कुछ भी के फोन भी सामने उनको तुम्हारे अपने भाई का नंबर नहीं है तुम्हारे पास मैम वो रियल ब्रदर नहीं है मैम कजिन है मैम अच्छा कजिन है तुम्हारा यस मैम रियल ब्रदर नहीं है मैम मेरे तो भाई नहीं है मेरा फिर तो कौन सा सुनेगा उसकी बात यहाँ रियल की तो सुनते नहीं उसकी क्या सुनेगा फिर तुम हाँ चलो बोलो मैम मैं आए अब आप ये अंदाजा लगाओ कि क्या आपकी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं बेटा क्या बोलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किए हो अच्छी जो 4-5 में आई वाली इनके अलावा कोई बताएगा कोई भी बोलो चलो एनीवन चलो चांस जिसको लेना जल्दी बताओ जिसको भी आता हो बोल दो मैम मैं आए एक दामिनी और आर्ची मैम मैं आए कल से तो मुझे सपने में भी नहीं आई सुनाई देगा क्या बोलूं बेटा अब तुम लोग बताओगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या 4-5 लोगों से पूछना इतना सिंपल मैंने लिया कि चलो इन लोगों को आ जाएगा बड़ा मुश्किल है ठीक है बेटा नंबर 0 के लिए तैयार है ना कल को ही मैं बोलना कि 0 क्यों मिला पहले बता दे रही हूँ ये 5 लोगों को छोड़ के और कोई बताना चाहे नहीं तो जल्दी बोलो फास्ट आर्जव आयुषी अच्छा आयुषी बताओ चलो आयुषी वो बेचारी नहीं बोलती नहीं आई हाँ देखो हाँ बोलो मैम डी से मैम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे डी से एबी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हाँ ठीक है आप लोग डॉटेड करना कंस्ट्रक्शन डॉटेड करते हैं मैंने समझाने के लिए डार्क कर दिया ओके एम एन मैम अब ट्राइंगल्स ए डी एम और एन सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हो गया कॉन्ग्रुएंट चलो हाँ फिर क्या मिलेगा फिर मैम एंगल ए डी एम और बी सी एन इक्वल मिलेगा और मैम वो सारे एंगल मतलब एंगल इक्वल मिल जाएंगे ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नेमिंग बताओ ए एम डी मैम बी एन सी हाँ बी एन सी आ जाएगा ठीक है बाई सी पी सी टी हो गया ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा पिंक पिंक एंड व्हाइट वन सॉरी 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 व्हाइट वन व्हाइट वन ये तो है ही पहले से ठीक है आगे बोलो नेक्स्ट
अच्छा इसके आगे कोई कंटिन्यू करना चाहे जल्दी बोलो, आप कोई कंटिन्यू करेगा? नाम बता रही हूँ, अंश चौधरी फर्स्ट ऑप्शन, आर्जव सेकंड ऑप्शन, चित्रांशी थर्ड ऑप्शन, एकता फोर्थ ऑप्शन, हर्ष मोदी फिफ्थ, कार्तिक सिक्स, मोनिका मोनिका सेवन एट, इनमें नव्या एट नाइन, इनमें से कोई बताओ जितने नेम मैंने लिए इनमें से कोई। नव्या आगे कंटिन्यू करोगी? नव्या जैन, नव्या फिर करो, नव्या मैम है मीटिंग में, मीटिंग में रुकी मैच। नव्या जैन कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम। ओके कंटिन्यू करोगी आगे? इसके बाद कंटिन्यू करो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई सीपीसीटी करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बाकी कंटिन्यू करो। मैम जो एडी है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। नो बेटा बस रहने दे, रहने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ए बी एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फुल नेमिंग लो, फुल नेमिंग, क्योंकि डी में दो पार्ट आ रहे एंगल के, फुल नेमिंग बोलो, फुल नेमिंग लो, फुल नेम मतलब डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो बेटा। मैम तो इसमें सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज वन, क्या बोल रही मैम? मे आई मैम, मे आई मैम, चुप रहा मे आई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पवन धाकड़, प्रखर प्रखर आगे कंटिन्यू करो, प्रखर प्रखर बोल बेटा। मैम मैं कंटिन्यू करूं? ये दामिनी बोल रही है मैम, आयुषी। नो मैम, मैम मैंने तो जब मैम मैं आई मैम मैं आई मैम मैं आई आई वाले कंटिन्यू कर दूंगी मैं। कोई नहीं कोई नहीं, आई नहीं, चुप रुक जाओ। ऋषभ, ऋषभ इतना अच्छा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में लिखा था, मैं आई है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋषभ कंटिन्यू, ऋषभ सेन, भगवान कितना सीधा बच्चा है, बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है टीचर के वाले, कितने अच्छे। मोनिका दोनों एब्सेंट है, चेक करवाए नहीं कोई से भी? यस मैम। अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक है, कोई भी चलो एक आंसर बताओ। फर्स्ट में मैम मैं आए, मैम मैं आए, मैम आर्ची, बस बस मैम नहीं नहीं रोमिशा को बहुत मस्त मिल गया था, दामिनी को भी बहुत मिल गया। मैम मुझे तो एक ही मिला है, मैम मैंने तो मैम मैंने दो तीन मिल गए। किंजल 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 साहब, मैम किंजल गारे, मैम किंजल वो तो है किंजल को कल ही मिला था। यस मैम मिला था। अच्छा ठीक है, आर्ची मैम मेरे को बोला था ना, मुझे भी नहीं मिला। चुप चुप आर्ची, चल बोल आर्ची। मैम मैम हमने ट्राइंगल ए एम डी और ट्राइंगल बी एन सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ए क्या क्या क्या, ए बी सी इक्वल्स टू बी सी डी, एंगल ए डी, अच्छा ए डी सी, अच्छा ए डी सी, हाँ एंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, हाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। मैम हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो बाय सीपीसीटी, हाँ
सुन सुन बेटा, कॉन्ग्रुएंट में तो ए एम डी और बी एन सी है, ए डी सी और बी सी डी कहाँ से आ गया कॉन्ग्रुएंट में? कॉन्ग्रुएंट तो एंगल ए और बी सी है इक्वल है तो मैम डी ए बी की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हाँ ये फर्स्ट फर्स्ट आप दोनों डिग्री बिल्कुल सही है, ए की जगह बी लिख देंगे तो ए बी सी इसकी जगह लिख दिया, ए बी सी रहने दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल का सम 180, रिजल्ट मिल गया साइक्लिक, चार स्टेप हो गया। लेकिन ओवरऑल मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया भाई, 7 to 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 32 आपकी क्लास में? यस मैम। इतने सिंसियर हो, बाकी सच में नहीं पढ़ाई कर रहे, बिल्कुल सीरियसली बोल रहे हैं। अगर डबल चांसेस नहीं आए तो उसके मार्क्स कम रहेंगे क्या? यहाँ तो चार चांस दे दिया है। मैंने बोला जिससे बने वो आई अभी तक मैम मुझे सिर्फ दो ही मिली है। एक सेकेंड, ये किसने बोला अभी, इससे पहले कौन बोल रहा था? मैम सृष्टि, सृष्टि सृष्टि को भी दो मिल चुकी है चांस। मैम एक ही तो मिली है। अच्छा टेंशन मत ले बेटा, अभी तो कल थर्सडे फ्राइडे अभी तो एक चांस और मिलेगी, तो शुरुआत तेरे से ही करूंगी मैं, ठीक है? अच्छा याद दिला दिया। मैम अभी एक और चांस मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। चार चार चांस लोगों को मिल गया तो भी जीरो आया, क्या बोले। एक दिन और होगा आपका क्लास प्रेजेंटेशन, लास्ट डे, लास्ट डे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। कब होगी नेक्स्ट क्लास, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्लास 17th, नेक्स्ट को तो एमसीक्यू है ना शायद? नो बेटा 19th, ध्यान से देखो, मैंने मैसेज भेज दिया, 17th को लास्ट चांस है, क्लास प्रेजेंटेशन 17 को खत्म हो जाएगा, जो अब्सेंट है उनको मैसेज दे देना, उनकी मर्जी बस। मैम जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था मैम, उसमें हम एक इंटीरियर एंगल को मैम वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल से इक्वल बताकर भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल ही कहा था कि एक सिंगल मेथड नहीं होता बेटा, बिल्कुल होता है, दो तीन मेथड भी हो सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना कि सही है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन भेजा था मैम, उसका आंसर आपने बताया, तुमने उसमें भेजा था, ग्रुप में डाला है क्या? यस मैम। किसी ने भेजा? वो आया ही नहीं किसी को। अच्छा किसी, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखा वो मम्मा के पास था ना मैम, उस क्वेश्चन में एक एंगल उन्होंने गलत दिया है मैम, उसमें एडी नहीं होना चाहिए, एडी ही होना चाहिए, वो सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा आज मैं चेक करती हूं बेटा, मैंने अभी तक देखा नहीं, आप इस समय बात चेक करने लगे। यस बेटा। मैम मुझे एक ही चांस मिलेगी कि आप और भी चांस देंगी मैम, क्योंकि कल मेरा हो गया था। प्रणव प्रकाश। यस मैम। हाँ मिल सकता है बेटा मंडे को, फिर तुम्हारी दो चांस होगी, एक नहीं हुई, दो चांस हुई है मैम, दो चांस हो गए मैम। मुझे मिलेगी क्या? अच्छा नहीं मिलेगी तो क्लास में नहीं आओगे क्या? नो मैम, मैम मतलब आएंगे मैम, ऐसा नहीं। हाँ तो बस हो गया, फिर टेंशन क्यों लेना मैम। ये जो क्वेश्चन था मैम, उसको तो मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं मैम, डायगोनल दो बना के, एसी और बीडी बना के। मैंने इसको दामिनी को क्या आंसर दिया, क्या दिया मैंने इसको आंसर, ध्रुव बोल क्या दिया मैंने आंसर? बिकॉज मैम बीच में जब आप पूछ रही थी किसी ने कहा था, आप कह रही थी कुछ ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ है मैम, इसलिए पूछना था एक बार। वो डिपेंड करता है कि आपका मेथड करेक्ट है नहीं, बट एक मेथड नहीं होता। यदि आपके पास सेकंड मेथड हो, कुछ हो, आपको डाउट है, आप मेरे पर्सनल उस पे सेंड कर दिया करो सॉल्यूशन, बोल दे इज दिस करेक्ट और नॉट, ठीक है? यस मैम। हां बिल्कुल हो सकता है, सिक्स मेथड नहीं होता। हां वो तो बोलो बोलो जल्दी बोलो आगे भी एनसीईआरटी से ही पूछोगे? ये आर्ची अभी रुक बताती हूँ तुझे मैं। अब यदि मुझे ये लगा कि उसका नहीं बता पा रहे तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी भी नहीं बता पाओगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे आ जाऊंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, पूछ लीजिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसमें तो। यस मैम। यस मैम। अब ना बुलवाओ बेटा, चलो रहने दो मेरी क्लास है, चलो ओके बाय। Sairam, leave one by one. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Sairam.